मिहिर अभिनव की बात सुनकर बोला, अगर आप मेरी दुकान से इतना सारा सामान लेंगे तो मैं आपको होलसेल के प्राइस पर सारा सामान देने के लिए रेडी हूं, क्योंकि जैसा मेरी मंगेतर ने बताया, आप उसके क्लासमेट हैं, तो मैं आपको इतनी छूट तो दे ही सकता हूं। इतना बोलकर मिहिर आलिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी आलिया मिहिर से अपनी नजरें बचाती हुई अभिनव की तरफ देखने लगी। अभिनव आलिया की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगा, चलो खैर, आलिया का क्लासमेट होने की वजह से इसके मंगेतर ने छूट देने की बात तो की, कुछ तो फायदा हुआ मेरा। मिहिर ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलिए फिर हम सामान लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तभी मिहिर अभिनव के साथ अपने स्टोर के अंदर आता है और अभिनव को घूर कर देखता है और फिर अपने मन ही मन हंसते हुए बोला, चलो अब इसे थोड़ा परेशान करते हैं। मिहिर अभिनव की तरफ देखकर बोला, अरे नहीं, मैंने तुमसे होलसेल प्राइस और छूट देने की तो बात कर ली, लेकिन इतना बोलकर मिहिर चुप हो जाता है। तभी अभिनव बेचैन होते हुए बोला, लेकिन क्या मिहिर, क्या कहना चाहते हैं आप, साफ साफ बोलिए। इतना बोलकर अभिनव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और अभिनव मिहिर की तरफ देखकर सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस तरह मिहिर ने लेकिन बोलकर अपनी बात को पूरा क्यों नहीं किया। तभी मिहिर अभिनव की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी, पर आप जो सामान खरीदना चाहते हैं वो तो शायद यहां बचा ही नहीं, आई थिंक वो सारा सामान बिक गया। अभिनव मिहिर की बात सुनकर बोला, तुम यहां पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आयो क्या? अगर तुम्हारी शॉप में ये सामान नहीं है तो फिर तुमने मुझसे छूट की बात क्यों की? तुम लोग मेरे साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते। मिहिर ने अभिनव की तरफ देखकर बोला, सीईओ मिस्टर अभिनव, प्लीज आप गुस्सा मत होइए, और मैं आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, बस आपने अभी जो चीजें मांगी हैं वो अभी स्टॉक में नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो कुछ और चीजों को देख सकते हैं, शायद वो भी आपको पसंद आ जाए। आइए, मेरे पास कुछ बैग वगैरह है, आप उसे देख लीजिए। इतना बोलकर मिहिर अभिनव को धरा एम्ब्रॉयडरी स्टोर तक खींच कर ले आता है। अभिनव मिहिर के साथ धरा एम्ब्रॉयडरी स्टोर पर आ तो जाता है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गुस्से में लग रहा है। मिहिर अपने मन में सोचता है, आई थिंक बहुत हो गया, अब मुझे इसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गया है। अभी मिहिर वहां पर रखे कुछ बैग्स को उठाता है और उसे अभिनव के सामने रखते हुए बोला, अब ये देखिए, आपको ये बैग पसंद आने चाहिए। अभिनव सभी बैग्स को देखता है और मिहिर की तरफ घूर कर बोला, इन बैग्स में ऐसा क्या है जो मैं इन्हें खरीद लूंगा, ये तो बस एक सिंपल से डेली यूज करने वाला बैग है, तुम एक बार फिर से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। तभी मिहिर अभिनव की बात सुनकर ना में सिर हिलाता है और एक पानी की बोतल अभिनव को देते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहा हूं, एक बार इसे ध्यान से देखिए तो। अभिनव मिहिर के हाथ से पानी की बोतल ले लेता है और उसने अपने मन में सोचा, मुझे इन बैग्स में और इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर अब अगर मैं यहां पर आया हूं और बिना कुछ लिए चला जाऊंगा तो इस मिहिर को मुझ पर शक होगा। अभिनव उस बैग को गौर से देखता हुआ बोला, ठीक है, अच्छा बताओ इस बैग का क्या प्राइस है और तुम इसे मुझे किस प्राइस पर दोगे। इतना बोलकर अभिनव उस बोतल को खोलता है और उसका पानी पीने लगता है। मिहिर अभिनव की तरफ देखकर बोला, तुम आलिया के क्लासमेट हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बैग कम प्राइस पर दे दूंगा और खुद कोई भी मुनाफा नहीं लूंगा, एक बैग का प्राइस 70,000 है। अभिनव जैसे ही मिहिर की बात सुनता है, उसके मुंह में भरा हुआ वो पानी का घूंट बाहर निकल आता है और अभिनव ने अपना मुंह पोंछते हुए मिहिर की तरफ देखकर कहा, क्या कहा तुमने, एक बैग की कीमत 70,000, ये क्या बोल रहे हो तुम? आलिया, जो इतनी देर से मिहिर और अभिनव की बातें सुन रही थी, अभिनव की तरफ देखकर कहा, हां अभिनव, ये बिल्कुल सही प्राइस है, क्योंकि ये बैग हैंडमेड है और इन्हें हाथों से बनाया गया है, इस पर इतनी सारी कारीगरी हमारे वर्कर्स ने की है और इसमें बहुत मेहनत लगी है, और इसे 70,000 रुपए में खरीद कर भी तुम इसे काफी अच्छे प्राइस पर बेच सकते हो। तभी अभिनव आलिया की बात सुनकर आलिया की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तुम तो मेरी क्लासमेट हो, तो मैंने सोचा तुम मुझे इसका सही प्राइस बताओगी, पर तुम भी। तभी आलिया अभिनव की तरफ देखती है और उसने कहा, एक मिनट तो मेरी बात तो सुनो अभिनव। लेकिन आलिया की सारी कोशिशें बेकार रहती हैं और अभिनव आलिया की एक भी बात नहीं सुनता। तभी स्टोर के अंदर एक व्यक्ति आता है और मिहिर की तरफ देखकर बोला, हेलो मिस्टर, आप इस शॉप के ओनर हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम निखिल है और मैं एक बिजनेसमैन हूं और इंटरनेशनल ट्रेड में हूं। मिहिर ने निखिल की तरफ देखा और उससे हाथ मिलाते हुए कहा,
हेलो मिस्टर निखिल, नाइस टू मीट यू, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? निखिल बड़ी ही चतुराई से मुस्कुराते हुए मीर की तरफ देख कर बोला, मैंने अभी अभी आपकी बातें सुनी, मैं इन बैग्स को आपसे खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये पांचों बैग्स आपके चाहिए, क्या आप इसे मुझे बेचेंगे? मैं इन पांचों बैग्स को 70,000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अभिनव निखिल के मुंह से ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसे घूर कर देखते हुए बोला, आर यू श्योर, तुम ये पांचों बैग्स इस प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी हो? तभी निखिल अभिनव की तरफ देखकर बोला, मैं इन बैग्स को खरीद लूंगा और बाहर कई सारे इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं और उन्हें ये सारे बैग्स डबल प्राइस में बेच दूंगा, वो बड़ी ही आसानी से इसे खरीद लेंगे, इसलिए क्या मैं ये पांचों बैग खरीद सकता हूँ? बताइए मुझे पेपर वर्क के लिए कहाँ जाना है? तभी मिहिर निखिल की तरफ देख कर बोला, आपको पेपर वर्क के लिए कहीं नहीं जाना, आप यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता हूँ। तभी मिहिर चुपचाप जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर आता है और उसे निखिल के सामने रख देता है। तभी अभिनव अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, बाहर इतने सारे विदेशी बिजनेसमैन हैं, मैं भी तो उन्हें ये बैग्स बेचकर काफी प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो फिर मैं इस मौके को अपने हाथ से क्यों जाने दूं? इतना सोचकर अभिनव मिहिर की तरफ देखकर बोला, मिहिर, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है और तुम इन्हें ये कैसे बेच सकते हो? ये सुनकर मिहिर और निखिल दोनों अभिनव की तरफ देखने लगते हैं। अभिनव निखिल से बोला, मिस्टर निखिल, आप रुकिए, अभी आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने पहले मिस्टर मिहिर से इसे खरीदने की बात की है। तभी निखिल ने अभिनव की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने अभी आप दोनों की बातें बिल्कुल साफ साफ सुनी, आपको ये वैसे भी नहीं खरीदने हैं क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा महंगे हैं और आप इसे नहीं खरीदना चाहते हैं, बल्कि मैं इसे इसी प्राइस पर खरीद रहा हूं, तो फिर अब आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी अभिनव ने निखिल की बात सुनकर कहा, क्योंकि मैं पहले यहां पर आया हूं और मैं अभी बात ही कर रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए। अभिनव की बात सुनकर निखिल मिहिर की तरफ देखकर बोला, मिहिर जी, आप नहीं जानते मैं इस बैग को खरीदने के लिए सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, पर मुझे किसी ने बताया कि ये बैग आपको बेचने ही नहीं है, आपने इसे सिर्फ एग्जीबिशंस के लिए लगा रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया नहीं, पर जब मैंने आप लोगों की बातें सुनी तो मैं तुरंत ही इसे खरीदने के लिए आ गया। तभी अभिनव मिहिर की तरफ देखकर बोला, मुझे ये पांचों बैग्स खरीदने हैं, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो मिहिर। तभी निखिल अभिनव की तरफ देखता है और मिहिर से बोलता है, मैं तुम्हें एक बैग का 80,000 रुपए देने के लिए रेडी हूं, पर यह डील मुझे ही चाहिए। तभी अभिनव निखिल की तरफ देखकर बोलता है, 80,000, ठीक है, मैं भी 80,000 रुपए देने के लिए रेडी हूं। तभी निखिल अभिनव की ओर देखकर बोला, तुम मेरे साथ जिद कर रहे हो, ठीक है, मैं एक बैग को 1,00,000 में खरीद लूंगा, तो बताओ क्या अभी भी तुम मेरे साथ कंपटीशन करना चाहोगे? अभिनव निखिल की बात सुनता है और 1,00,000 का एक बैग सुनकर 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ठीक है, फिर ये डील तुम्हारी हुई। इतना बोलकर अभिनव चुपचाप वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। आलिया अभिनव को वहां से जाता देखकर कुछ भी नहीं बोलती और जिस तरह से निखिल और मिहिर ने मिलकर अभिनव को उल्लू बनाया उससे आलिया बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और तभी आलिया ने मिहिर और निखिल की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या था, तुम दोनों ने अभिनव के साथ ऐसा क्यों किया? तभी मिहिर आलिया की तरफ देखकर बोला, अरे कुछ नहीं यार, बस वो तो हम थोड़ा सा शरारत कर रहे थे और वैसे भी ये अभिनव तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, तो अब ये तुम्हारे पास भी ज्यादा नहीं आएगा और वैसे भी तुमने तो उसे अब खुद ही बता दिया कि तुम मेरी मंगेतर हो, तो अब तो वो शायद तुमसे बात भी ना करे। इतना बोलकर मिहिर निखिल के कंधे पर हाथ रखता है और जोर से हंसने लगता है। आलिया मिहिर और निखिल की तरफ देखकर बेबसी से बोली, वो मेरा क्लासमेट है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। आलिया के वहां से जाते ही सभी लोग काफी ज्यादा थके हुए हैं तो सब वहीं आराम से बैठ जाते हैं और निखिल सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर हुए साइन को देखने लगते हैं और मिहिर निखिल की तरफ देखकर बोलता है, आज भी हमारी काफी अच्छी बिक्री हो गई है और हमारे सभी वर्कर्स ने काफी अच्छा काम किया, तो मैं अपने सभी वर्कर्स को आज 20,000 रुपए देने के बारे में सोच रहा हूं, कैसा रहेगा निखिल? निखिल मिहिर की बात सुनकर बोलता है, जैसा आपको ठीक लगे छोटे मालिक। मिहिर निखिल की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, जाओ तुम बाहर सभी वर्कर्स को एक साथ बुलाकर बैठा लो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। निखिल सारे वर्कर्स को एक साथ बैठा देता है
और तभी मिहिर अपने केबिन से बाहर निकलकर आता है और सभी वर्कर्स की तरफ देखकर बोलता है, आप सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है और आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आप सबके सामने है। मैं आप सभी वर्कर्स को 20,000 रुपए देने का ऐलान करता हूं और मेरी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिस तरह से अभी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते आ रहे हैं इसी तरह से आगे भी करते रहिए, क्योंकि हमने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और हमें अब और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी हम वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। सारे वर्कर्स मिहिर की बात सुनकर हां में सिर हिलाते हैं और मिहिर ने निखिल से इशारा किया और निखिल सारे वर्कर्स को 20,000 रुपए दे देता है। तभी सारे वर्कर्स आपस में बैठकर मिहिर की तारीफ करते हुए बोलते हैं, मिहिर बॉस कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने बिना किसी के मांगने से पहले ही हम सबको हमारे पैसे दे दिए। हाँ, मिहिर बॉस जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, जो अपने वर्कर्स को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और सबसे इतना पोलाइटली बात करते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसे देने में भी कोई कंजूसी नहीं करते, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हम सबको हमारे मेहनत के पैसे दे दिए। मिहिर के सारे वर्कर्स मिहिर के काम की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मिहिर निखिल से बोला, कल एग्जीबिशन का लास्ट कॉम्पिटिशन होगा और उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। कल का दिन हमारे लिए काफी जरूरी होने वाला है, इसलिए आज सभी वर्कर्स को कह दो कि जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर वापस अपने काम पर लगें, क्योंकि हमें ये कॉम्पिटिशन जीतना ही है। निखिल मिहिर की बात सुनकर हां में सिर हिलाता है और आकर सबको ये बात बता देता है। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।